दशहरा, दिवाली या फिर छठ में घर जाने की सोच रहे हैं और वो भी ट्रेन में, तो ये खबर आपके लिए खास है। जी हाँ, रेलवे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में 196 जोड़ी नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है। हालांकि यात्रा के दौरान आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दरअसल मास्क नहीं पहनने पर और कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने, जांच में संक्रमित होने की पुष्टि हो जाने के बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, यहां तक कि आपको कैद की सजा भी हो सकती है। रेल सुरक्षा बल ने ये जानकारी दी है। RPF ने विशेष रूप से त्योहारी मौसम के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में रेल यात्रियों से रेल परिसर में कुछ गतिविधियों को करने से बचने के लिए कहा गया है, जिनमें मास्क नहीं पहनना या फिर मास्क को सही तरीके से नहीं पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर पुष्टि हो जाने के बाद या फिर जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या फिर स्टेशन में आने के बाद ट्रेन में सफर होने या ट्रेन में स्वास्थ्य टीम द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बाद भी अगर ट्रेन में सवार होते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। RPF ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकना भी गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशनों पर गंदगी पैदा करने वाले, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले, साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करने पर भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। RPF ने ये बताया कि चूंकि ये गतिविधियां कृत्य कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकती है और ऐसे में किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है, इन बातों का ख्याल रखते ही इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को रेल अधिनियम की धारा 145, 153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है। रेल अधिनियम की धारा 145 नशे में होना, उपद्रव करना के तहत अधिकतम 1 महीने की कैद होगी। वहीं धारा 153 यानी जानबूझकर यात्री की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए जुर्माने के साथ अधिकतम 5 साल की कैद और धारा 154 यानी लापरवाह कृत्यों से अन्य यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के तहत 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा में दिए जा सकते हैं।